नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। संभल सीट से पूर्व सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद से उनके पोते जियाउर रहमान बर्क, जो कि सपा से विधायक हैं, संभल सीट से दावा ठोक रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने एबीपी नेटवर्क से बातचीत भी की थी और संभल सीट अखिलेश से मांगी भी थी, लेकिन उन्हें ये सीट अब मिलती नजर आ रही है, जिसका ऐलान खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया। दरअसल सपा प्रमुख शफीकुर रहमान बर्क के 10वें पर संभल दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने इस बात का इशारा किया। पहले तो उन्होंने शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर दुख जताया, फिर इशारों ही इशारों में टिकट देने की बात भी कह डाली। आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत बर्क साहब दे के गए उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार को भी घेरा, कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई है ये चुनाव और इस बार संविधान का मंथन होने जा रहा है, और क्योंकि कुछ लोग संविधान को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है। जिस तरह से कई मौक़ों पर हम लोगों ने कहा है कि कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग होंगे जो देश की खूबसूरती रही है, हमारी आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा, आपस में प्रेम, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। तो संविधान मानने वालों की और संविधान पर न चलने वालों के बीच में ये चुनाव होने जा रहा है। वहीं बुधवार को पीएम मोदी ने वर्चुअली आगरा में मेट्रो का उद्घाटन किया, जिस पर अखिलेश ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और बोले कि आगरा मेट्रो को पूरा रोड मैप सपा ने तैयार किया था, ये बस उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही मेट्रो के नाम बदलने पर कहा कि आप सरकार बदलो, हम इनका नाम बदल देंगे। इसी तरह सुना है कि वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ है आगरा में मेट्रो का। ये समाजवादियों की मेट्रो थी, ये कोई बीजेपी ने तो काम स्लो किया, रोका, बेमन पूरा किया है। जितना भी आगरा का अलाइनमेंट किस तरफ से किस तरह जाएगी, कहां पर क्या बनेगा, ये पूरा समाजवादियों के सरकार में फैसला हो गया था, वही मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया है। जैसे नाम बदले जा रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं कि मतलब ये लक्ष्मण को नाम बदला ऐसा है, आप सरकार बदल दो इनका नाम अपने आप बदल जाएगा। वहीं योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अखिलेश ने तंज कसा, कहा कि अगर बीजेपी को विस्तार करने से वोट बढ़ता दिखा तो कहीं एक बार और ये लोग मंत्रिमंडल विस्तार ना कर दें। साथ ही मंत्री बनने वालों को अभी मेहनत करने की बात कही। अगर उन्हें वोट पता लग जाए कि वोट एक और विस्तार से मिल सकते हैं तो एक और विस्तार कर देंगे। सर, ये इतने घबराए हुए लोग हैं तो ये जो बनाया गया विस्तार, ये विस्तार कोई जनता की सेवा के लिए मंत्री नहीं बने हैं। ये जनता को कैसे वोट ले लें, और जनता देख रही है उन्हें। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो केवल मंत्री बने हैं, अभी विभाग बनना है, फिर विभाग बनने के बाद इन्हें प्रमुख सचिव अपॉइंट कराना है, फिर अपनी मर्जी के जो विभाग मिलेगा उसके जिले जिले में अधिकारी अपॉइंट होने हैं। अरे एक जाल से नहीं निकले ये मामला, ये जो बने हुए हैं, शपथ लिए हैं, अभी इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।